फ्रेंड्स, मैं बीना अग्रवाल अग्रवाल रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की रेसिपी अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं गोंद के लड्डू, वो भी एकदम शुगर फ्री। तो आप रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर लिए मैंने गोंद, तो ये गोंद ली है मैंने, 50 ग्राम गोंद है। तो ये मार्केट में इजीली किराना स्टोर पर आपको मिल जाती है, खाने वाली गोंद आप मांगेंगे तो मिल जाएगी। और यहाँ पर लिए मैंने ये मखाने हैं, बादाम लिए हैं, और ये लिए हैं मैंने काजू और हरी इलायची। और 200 ग्राम मैंने गेहूं का आटा लिया है, जिसको आपको घी में अच्छे से पहले भून लेना है। तो देखिए मैंने ये भून के यहाँ पर रखा हुआ है आटा। अब कढ़ाई में मैंने यहाँ पर डाला है 1 कप घी गर्म होने के लिए, और उसमें मैं डाल रही हूँ ये गोंद जो मैंने ली थी। इसको अच्छे से आपको इसमें भून लेना है, ये देखिए अच्छे से। और इसको आपको लो फ्लेम पर ही गोंद को आपको इसमें तलना है ताकि वो अच्छे से फूल जाएगी, नहीं तो अंदर से आपकी गोंद जो है वो कड़क रह जाएगी, ऊपर से फूल जाएगी। तो इसलिए आपको इसको लो फ्लेम पर ही फूलाना है। देखिए अच्छे से फूल चुकी है गोंद, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगते हैं लड्डू ये, तो आप रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। बचा हुआ घी था उसमें अब मैं डाल देती हूँ ये मखाने। सबसे पहले इनको अच्छे से इसमें आपको भून लेना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं डालें काजू और बादाम, इसको भी अच्छे से मैं इसमें भून लेती हूँ। इसको अब निकाल लूँगी और इसके बाद मैं इसमें पोस्ट का दाना डाल रही हूँ 1 कप, जिसको खसखस भी बोलते हैं या पॉपी सीड भी बोलते हैं। बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लड्डू में, तो ये आप ज़रूर डालें। और इसके बाद डाल रही हूँ 1 कप में नारियल का बूरा, इसमें भून रही हूँ। अगर नारियल का बूरा नहीं है तो आप इसको नारियल को किसके भी कर सकते हैं। तो ये मैंने बादाम के अच्छे टुकड़े कर लिए हैं, और उसके बाद इसमें मैंने डाला है खसखस, मखाने और ये गोंद। और 1 कप मैंने जो भुना था नारियल वो डाल देती हूँ, और इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। आप अगर बारीक पसंद करते हैं तो आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, मेरे को थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मोटे पसंद हैं तो मैं इसे हाथ से कर रही हूँ। और इसके बाद डाल रही हूँ इसमें मैं गेहूँ का आटा जो भून के रखा था, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। देखिए बहुत ही हेल्थी रहते हैं लड्डू, और स्वादिष्ट भी बहुत लगते हैं, और शुगर फ्री भी है तो फ़ायदा भी बहुत करते हैं। तो आप बनाइए इसको। और अब डाल रही हूँ इलायची इसमें पिसी हुई, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। देखिए अब आती है बारी मीठे की, तो मीठे में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गुड़, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद भी है और टेस्टी भी बहुत लगते हैं इससे लड्डू। तो गुड़ को आपको सादा ऐसे ही किस लेना है, ये 150 ग्राम करीबन गुड़ है किस के, इसको आपको गर्म नहीं करना है, गुड़ को ऐसे ही किस के इसमें डाल लेना है, जिससे इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। उस तरीके से आपको इसको लड्डू बांध लेना है। अगर आपके लड्डू बांधने में दिक्कत देते हैं तो आप थोड़ा सा ऊपर से गर्म करके घी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको लड्डू बना लेना है। तो आप बस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन नए नए वीडियोस की मिलती रहें।